नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार प्रशासनिक सेवा कई अधिकारियों को मिला प्रमोशन। बीते दिन बिहार प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों को प्रमोट किया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार बिहार प्रशासनिक सेवा के 25 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS में प्रोन्नत किया गया है। इस बाबत केंद्रीय कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय ने इसकी प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद साल 2016 बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के अरुण कुमार, राम अनुग्रह नारायण सिंह, ओम प्रकाश पाल, निवेदिता राय, जयशंकर प्रसाद, नीलम चौधरी, विजय रंजन, सतीश कुमार शर्मा IAS अधिकारी बने हैं। वहीं 2017 बैच के पंकज पटेल, मनोज कुमार झा, कृत्यानंद सिंह, ज्योत सिंह, विमलेश कुमार झा, ऋषिदेव झा, संजय कुमार सिंह, संजय कुमार उपाध्याय, राकेश मोहन, दयानंद मिश्रा, रामेश्वर पांडे, राजकुमार सिन्हा, श्याम किशोर, रामेश्वर, ओम प्रकाश यादव, प्रभु राम और सुरेश चौधरी IAS अधिकारी नियुक्त हुए हैं। बिहार में ओवरलोडिंग ट्रकों पर दिखाई गई सख्ती। बिहार में ओवरलोडिंग ट्रकों की अब खैर नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार अब बिहार की सड़कों पर 14 चक्के और उससे ज्यादा वाले ट्रक में बालू गिट्टी को नहीं ढोया जाएगा, जिसके बाद अब बिहार की सड़कों पर 14 चक्का या उससे अधिक के ट्रकों से बालू और गिट्टी की ढुलाई नहीं होगी। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि भारी मालवाहक वाहन द्वारा ओवरलोडिंग रोकने एवं उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए 14 चक्के एवं 14 चक्के से अधिक वाहनों को बालू एवं गिट्टी के परिवहन हेतु प्रतिबंधित किया गया है। दक्षिण बिहार में बढ़ी आज बारिश होने की संभावना। बिहार में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिण बिहार में कई जगहों पर आज हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हिमालय के तलहटी क्षेत्र के करीब स्थित उत्तर बिहार के जिलों में घने कोहरे छाने की संभावना है, जबकि दक्षिण जिलों में मध्यम कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग की माने तो 2 या 3 दिनों के बाद राज्य में पारा 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। इससे ठंड में और बढ़ोतरी होगी। अधिकारियों ने बताया है कि राज्य के दक्षिण जिलों में बुधवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे राजधानी पटना में कुछ दिनों में पारा कुछ हद तक गिर सकता है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे मोहम्मद मुस्तफा और तेजेंद्र खन्ना की। मोहम्मद मुस्तफा को शहीद सिपाही के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद मुस्तफा लिबरेशन युद्ध के दौरान बांग्लादेश सेना में एक सिपाही थे। उनका जन्म 16 दिसंबर 1947 को भोला जिले के अंतर्गत दौलत खान अप जिला के हाजीपुर गांव में हुआ था। उनके पिता हबीबुर रहमान एक हवलदार थे। उन्हें बांग्लादेश के वीर श्रेष्ठों की बहादुरी की सर्वोच्च पहचान मिली है। तेजेंद्र खन्ना की बात करें तो उनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। वो 2 बार दिल्ली के उपराज्यपाल रहे हैं, जनवरी 1997 से अप्रैल 1998 तक और फिर अप्रैल 2007 से जुलाई 2013 तक दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में उन्होंने सेवा प्रदान की है। रेलवे की मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी बिहार में पहले दिन कुल 7,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। बीते दिन आयोजित करवाए गए रेलवे के मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी परीक्षा में कुल मिलाकर 7,644 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें, रेलवे में 1.4 लाख रिक्तियों को भरने के लिए राजधानी समेत देश भर में परीक्षा शुरू हो गई है। पहले दिन पटना के अलावा आरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, धनबाद और हजारीबाग में बनाए गए केंद्रों पर परीक्षा हुई। हालांकि परीक्षा प्रारंभ होने से पहले परीक्षा में शामिल उम्मीदवार सहित सभी के स्वास्थ्य की सुविधा के लिए कोविड बचाव से जुड़े सभी प्रोटोकॉल और दिशा निर्देश का 100% पालन किया गया। इतना ही नहीं, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पहली बार परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी परीक्षा भवन तथा उसमें प्रवेश और निकास के रास्तों जैसे सीढ़ियां, गलियारे जैसे सभी स्थलों की निगरानी CCTV फुटेज से रेल भर्ती बोर्ड पटना तथा रेल मंत्रालय नई दिल्ली की तरफ से करवाई गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट से और अधिक विमानों के संचालन की कही बात। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान कहा कि पटना एयरपोर्ट पर और बेहतर सुविधाओं के लिए इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिससे कि और अधिक संख्या में यहां से यात्री विमान उड़ान भरेंगे और यहां उनकी आवाजाही बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि सुचारू आवागमन को लेकर विस्तारीकरण कार्य योजना की जानकारी लेने यहां आए थे। इससे पहले भी हम यहां आकर निरीक्षण करते रहे हैं। वहीं इस दौरान एयरपोर्ट के निदेशक भूपेंद्र सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के मास्टर प्लान की विस्तृत जानकारी भी दी। अब मात्र 5 घंटे में कहीं से भी आ सकेंगे पटना। बिहार में सड़क निर्माण की रफ्तार काफी तेज हो गई है। नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना
साकार होने वाला है, जिसके तहत बिहार के सुदूर इलाके से पटना 5 घंटे के अंदर पहुंचना संभव होगा। ऐसे साथ नेशनल हाईवे पर काम तेजी से चल रहा है, जिससे पटना सहित राज्य के अन्य हिस्सों में आम लोगों के लिए आवागमन सुगम होने वाली है। जाम से छुटकारा मिलेगा और राज्य के सुदूर इलाके में पटना 5 घंटे के अंदर पहुंचना संभव होगा, जिसका सपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी लंबे समय से देख रहे थे। बिहार कैबिनेट मीटिंग में 2021 में कर्मियों को 39 छुट्टियां देने की कही गई बात। बीते दिन आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने अगले साल यानी 2021 के लिए कर्मियों के लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर अगले साल कर्मियों को 39 छुट्टियां दी जाएंगी। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के अधीन कार्यपालक आदेश के तहत 15 छुट्टियां मिलेंगी, जिनमें एक रविवार पड़ रहा है। प्रतिबंधित तथा ऐच्छिक अवकाश 20 दिनों का रहेगा, जिनमें से किन्हीं 3 का उपयोग कर्मी कर सकते हैं। वार्षिक बैंक लेखाबंदी के लिए 1 अप्रैल को भी छुट्टी घोषित की गई है। इसके साथ ही 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे 555 डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा अवधि मार्च 2021 तक किए जाने की भी बात कही गई है। अस्पतालों से गायब रहने वाले डॉक्टरों की अब खैर नहीं, अस्पताल से गायब रहने वाले डॉक्टर पर अब ज्यादा सख्ती दिखाई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पताल में ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों में जिलाधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण के बाद सौंपे गए रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके लिए उन्होंने सभी जिलों के सिविल सर्जन और डॉक्टरों को अस्पतालों में पाई गई कमियों को दूर करने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर त्वरित कार्रवाई किए जाने का निर्देश भी दिया है। प्रधान सचिव ने सिविल सर्जनों से साफ कहा है कि प्रत्येक अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का रोस्टर ड्यूटी चार्ट पहले ही तैयार किया जाए, उसके अनुसार निर्धारित समय पर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल में मौजूद रहे। सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन पर पटना हाईकोर्ट की सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन नहीं लगाए जाने के मामले पर जवाब तलब किया है। नागरिक अधिकार मंच की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह सुनवाई की है। उन्होंने बताया है कि यह सभी मशीन पीपीपी मोड पर इन सरकारी मेडिकल कॉलेज में है। इनमें जांच कराने के लिए मरीजों को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हाईकोर्ट के इस मामले पर 2015 से सुनवाई चल रही है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को इन मशीनों से जांच के लिए मरीजों को कितने पैसे देने होते हैं और इन मशीनों के सरकारी मेडिकल कॉलेज में नहीं लगाए जाने का कारण भी बताने को कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने की तेजस्वी की तारीफ। कुछ महीने पहले ही चुनाव से ठीक पहले जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव से काफी नाराज नजर आ रहे थे। हालांकि अब जीतन राम मांझी के बोल बदले नजर आ रहे हैं। सिर्फ अंदाज ही नहीं बल्कि मांझी ने तो तेजस्वी को पुत्र समान तक करार कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर लिखा, धन्यवाद पुत्र समान बिहार के युवा नेता। दरअसल तेजस्वी ने मांझी के कोरोना संक्रमण से प्रभावित होने के बाद ट्वीट किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो यथाशीघ्र स्वस्थ होकर पुनः सामाजिक जीवन में योगदान देने के लिए उपलब्ध रहे, जिसके जवाब में ही जीतन राम मांझी ने उक्त बातें कही है। एक महीने में लगातार दूसरी बार बढ़ा एलपीजी सिलेंडर का दाम। राजधानी पटना में एलपीजी सिलेंडर के दाम में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें मंगलवार से लागू हो गई है। नई दरों के अनुसार 15 दिसंबर से पटना में बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 792.50 रुपए हो गई है। इससे पहले पटना में इसकी कीमत 742.50 रुपए थी। इंडियन ऑयल के अनुसार पटना में कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो की कीमत में भी 36 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमत 1518 रुपए होगी, इसके पूर्व 1482 रुपए थी। एलन बॉर्डर ने टेस्ट सीरीज के नतीजे को लेकर दिया बड़ा बयान। टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले 4 मैचों के बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी एलन बॉर्डर ने बड़ा बयान दिया है। सीरीज का पहला मैच एडिलेड में खेला जाना है, जो कि डे एंड नाइट टेस्ट मैच हो रहा है। एलन बॉर्डर ने कहा है कि पूरी तरह से फिट जसप्रीत बुमराह इस सीरीज का नतीजा तय कर सकते हैं। मैं बुमराह का बड़ा प्रशंसक रहा हूं। अगर वो खुद को फिट रखते हैं, हम उस खिलाड़ी के बारे में बात करें जो आपको मैच जितवा सकते हैं। अगर वो पिछली बार की तरह गेंदबाजी करते हैं, महत्वपूर्ण विकेट हासिल करते हैं, तो मेरा मानना है कि वो वास्तविक अंतर पैदा कर सकते हैं। कोरोना से उभरे वरुण धवन और नीतू कपूर लौटे शूटिंग पर। जुग जुग जियो की शूटिंग को बीच में ही कोरोना के कारण रोक दिया गया था। हालांकि अब अभिनेता वरुण धवन और नीतू कपूर दोनों ही
स्वस्थ हो गए और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, जिसके बाद अब शूटिंग की शुरुआत होने वाली है। मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार उन सभी जगहों को सैनिटाइज किया गया है जहां तीनों ने शूटिंग की थी। क्रू मेंबर्स को भी आइसोलेशन में रखा गया था। अब जबकि तीनों सितारे कोरोना संक्रमण से उबर गए हैं तो शूटिंग को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। 19 दिसंबर से चंडीगढ़ में मूवी की शूटिंग शुरू की जाएगी। अभी नीतू कपूर 4 से 5 दिन शूटिंग में शामिल होंगी जबकि अन्य लोग 30 दिसंबर तक शूटिंग में रहेंगे। जलवायु परिवर्तन के लिहाज से बिहार बना हॉटस्पॉट। बिहार के कुछ जिलों में भीषण जलवायु परिवर्तन के हाथ से हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, जिसके बाद अचानक से तेज बरसात, सूखा, लू और दूसरी मौसमी आपदाएं तेजी से बढ़ गई हैं। काउंसिलिंग ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर की हालिया रिपोर्ट ने इस बात के प्रभावी संकेत दिए हैं। राज्य में ऐसे हॉटस्पॉट के रूप में पटना, अररिया और बांका जैसे जिलों की अब तक पहचान की गई है। CEEW रिपोर्ट के मुताबिक 30 साल से देश के चुनिंदा जिलों में जलवायु की बदलाव के लिहाज से 4 जिले पहचाने गए हैं। इनमें हॉटस्पॉट के रूप में पटना, अररिया और बांका शामिल है। बांका के तापमान पर भी चक्रवात का असर देखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में आपके अनुसार किसका पलड़ा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।